उज्जैन जिले की तराना से। युवा कांग्रेस ने महिला डॉक्टर की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। शनिवार को विधायक महेश परमार के निर्देश अनुसार युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष धर्मेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में तराना शासकीय अस्पताल में महिला डॉक्टर की नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के नाम तहसीलदार सपना शर्मा को ज्ञापन दिया। साथ ही मांग की गई कि 7 दिवस में ज्ञापन की मांग नहीं मानी तो विवश होकर युवक कांग्रेस धरना और भूख हड़ताल पर बैठने पर युवा कांग्रेस को मजबूर होना पड़ेगा। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गजराज सिंह चौहान, प्रदेश कांग्रेस सचिव संजय यादव, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पवन बारोर, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र कानड़ी, विधानसभा प्रवक्ता जयराम बड़ाल एवं अन्य वरिष्ठ कांग्रेस जन और युवा साथी उपस्थित थे। ज्ञापन का वाचन किसान कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष कामिल कुरैशी ने किया। तराना से संवाददाता सैयद नियामत अली की रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला? आज हमने स्वास्थ्य मंत्री के नाम तहसीलदार मैडम को ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन की मांग है कि तराना तहसील का एक मात्र सिविल हॉस्पिटल जहां पर महिला चिकित्सक नहीं है, इसकी वजह से हमारी माता बहनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और आए दिन उज्जैन रेफर होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में माता बहनों को शारीरिक और आर्थिक नुकसान होता है। इसके लिए आज हम सब लोगों ने यूथ कांग्रेस के माध्यम से और वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में यहाँ ज्ञापन प्रेषित किया है और हमारी मांग है यदि 7 दिवस में यहाँ पर महिला चिकित्सक की नियुक्ति नहीं की गई तो हम सब लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे और अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन करेंगे। मैडम, यूथ कांग्रेस के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में महिला डॉक्टरों की कमी को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है, क्या विषय है इसमें? जी, इसमें विषय यह है कि शासकीय चिकित्सालय तराना में महिला चिकित्सक की नियुक्ति नहीं है, जिससे महिलाओं को कई प्रकार की समस्याएं आती है। तो मांग यह है कि यहाँ पर या तो परमानेंट स्थायी महिला चिकित्सक की नियुक्ति की जाए, अगर ये संभव नहीं हो तो अस्थायी रूप से हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन के लिए किसी भी महिला चिकित्सक की नियुक्ति तराना चिकित्सालय के लिए की जाए। मैडम, अभी इन्होंने ज्ञापन में ये बताया है कि अगर 7 दिवस के अंदर मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, ऐसी स्थिति में प्रशासन क्या आगे की तैयारी में? हमारी आगे का प्रयास तो यही है कि ऐसी नौबत ना आए कि धरना प्रदर्शन करना पड़े। हम ज्ञापन को श्रीमान जिलाधीश महोदय तक जल्दी से जल्दी पहुँचाने का प्रयास करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि समस्या को जल्द से जल्द दूर किया। बहुत बहुत धन्यवाद।